हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पेई। और मैं हूँ पॉम्पेई आप सबके सामने विथ माय डियरेस्ट हबी टुडे। और आज हम लोग कोई सिंगिंग ब्लॉग में नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। और वो क्या है? वेरी डिफरेंट। आप सबको पता है कि हम एक आर्किटेक्ट हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमारे को होम डेकोर चाहिए होता है, जिसमें हम होम डेकोर का आइटम्स भी खरीद रहे हैं और लाइटिंग भी खरीदेंगे। तो आपको दिखाएंगे हम क्या क्या लाइटिंग खरीद रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइटिंग्स का शॉपिंग। ओके, और सिर्फ लाइटिंग का शॉपिंग नहीं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और मैंने इनको कहा है कि अगर आपके काम के लिए हम निकलेंगे तो फिर मुझे भी शॉपिंग करानी पड़ेगी। सो वी विल गो फॉर सम हाउस होल्ड शॉपिंग ऑल्सो। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, सम वेरी पेटी थिंग्स। एक्चुअली ये फेस्टिवल का सीज़न है और इस बार तो हम लोगों का दुर्गा पूजा का मतलब कहीं पर भी घूमने जाना हुआ नहीं है। सो टुडे बीइंग हॉलीडे हमने सोचा कि चलो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं और उससे थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल, तो चलते हैं। पहले तैयार होते हैं बिकॉज इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, और मुझे नहीं इनको तैयार होने में टाइम लगेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? देखते हैं किसको ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय। हाय दोस्तों, सो हम लोग निकल चुके हैं। हाँ, हम निकल चुके हैं और सबसे पहले हम लोगों का प्लानिंग है, हम जा रहे हैं यहाँ पे आगे, क्या नाम है, बंजारा मार्केट। यस, सो वहाँ सबसे पहले जाएंगे। इट्स इन गुड़गांव, एज यू ऑल नो दैट वी आर स्टेइंग इन गुड़गांव, और यहाँ पे हमारे लोकेलिटी के पास ही है बंजारा मार्केट। पहले हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद आगे का प्लानिंग करेंगे। तो ये है गुड़गांव का बंजारा मार्केट, जहाँ से आप जी भर के हैंडमेड आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉकरीज, किचन वेयर्स, डेकोरेशन की चीज़ों से लेके मेटल एंड वुडन फर्नीचर्स तक सब कुछ मिलता है, और इन सारी चीज़ों को यहाँ के कारीगर कटिंग से लेके फिनिशिंग तक, डिजाइनिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग सब कुछ अपने हाथों से करते हैं। इनके दाम भी ज़्यादातर रिटेल मार्केट या दुकानों से काफ़ी कम होते हैं। हाँ, लेकिन आपको अपने बजट के हिसाब से थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको होम और आउटडोर डेकोर के लिए काफ़ी रीजनेबल रेंज में तरह तरह के लैंप्स, लैंटर्न्स, फोटो फ्रेम्स, डोर मैट्स, मिरर्स और बहुत सारी वेराइटीज़ में मॉडर्न और एथनिक फर्नीचर्स भी मिलेंगी, जिससे आप अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन या मेकओवर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं सेक्टर 56 के बीकानेर वाला में, और वैसे बंजारा मार्केट में हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं, बट अभी वो ख़रीदना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वो लेके घूमना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली आफ्टर दिस। तो अभी फ़िलहाल एक क्विक ब्रंच यहाँ पे इंजॉय किया जाएगा। देखें आप हम क्या खा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। या ऑफ कोर्स, वी विल हैव लंच टुगेदर। तो अब एक हल्का फुल्का लेकिन टेस्टी खाने के बाद हम बीकानेर वाला से निकल के गुड़गांव के रैपिड मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां से हमें घिटौरनी जाना है, और इसलिए सबसे पहले हम रैपिड मेट्रो से सिकंदरपुर जाएंगे और वहां से चेंज ओवर करके फिर घिटौरनी पहुंचेंगे। वीकेंड्स और फेस्टिवल्स के समय पर मेट्रोज की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, इसलिए हमें भी मेट्रो के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन हमें भी कोई जल्दी नहीं थी एंड वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय द ट्रिप, सो
फाइनली हम रवाना हो गए। Hi guys, so we are here in Gitorni. अभी हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है होम डेकोर का। पता नहीं वीडियो अलाउ होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा हम आपको बताएंगे, आपको दिखेगा। कोशिश है हमारी कि आपको नए नए प्रोडक्ट जो आए हैं वो दिखाएं होम डेकोर के। अगर कुछ खरीद सके हम फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये है गिटोर्नी का लॉन्ग एक्सटेंडेड होम फर्निशिंग मार्केट जो पूरे MG रोड को कवर करता है और रास्ते के दोनों तरफ आपको अनगिनत ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड शोरूम्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम आ गए हैं उस शोरूम में जहां हमको लाइट्स खरीदना है इनके प्रोजेक्ट के लिए। यहां पर आके इनका इतना वास्ट कलेक्शन देखकर आई वॉज रियली अमेज्ड। इनके यहां पर खूबसूरत शैंडलियर से लेके फ्लोर लैम्प्स, टेबल लैम्प्स, वॉल फिटेड लाइट्स और फॉल सीलिंग लाइट्स की बेशुमार वैरायटीज हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये सारा कलेक्शन आपको हर एक रेंज में मिल जाएगा, काफ़ी बेसिक से लेके हाई प्राइस तक का। वैसे तो यहाँ के ज़्यादातर शोरूम्स में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ आई वॉज लकी इनफ टू बी एबल टू कैप्चर द व्यू। शॉप हम दुकान से बाहर निकल के आ गए हैं और हमने कुछ लाइट्स का ऑर्डर भी दे दिया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो जैसे वो डिलीवर होता है आपको दिखाएंगे कौन सा लाइट हमने परचेज किया था। अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा स्लीक सा डिज़ाइन है। अनफॉर्चुनेटली वीडियोग्राफी थोड़ा अलाउ नहीं था शोरूम के अंदर में, इसलिए आपको दिखा लेकिन नहीं मैंने फिर भी चुपके से कुछ कुछ मैंने फोटोज और वीडियोज लिए हैं, वो आप सबसे मैं शेयर करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, नहीं सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि दिस मैन हैज़ रियली गॉट पेशेंस एंड हैट्स ऑफ टू हिज नॉलेज एंड आइडियाज़ अबाउट दो थिंग्स। जाने से पहले, अंदर जाने से पहले इन्होंने कहा हमें, मुझे तो लाइटिंग्स देखनी है। मुझे लगा चलो ठीक है लाइट्स देखेंगे, तो लाइट्स मतलब क्या ही होगा, सुंदर सा लाइट होगा। अंदर जाके फिर पता चला ही टुक 2 hours ओवर देयर टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस एंड डिस्कस अबाउट दैट एंड देन बार्गेनिंग। सो रियली आई रिस्पेक्ट हिज पेशेंस एंड हिज नॉलेज एंड हिज इंस्टेंट। बहुत हो गया है, ये एक्चुअली मेरा प्रोफेशन है, इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम इंटीरियर करते हैं। आर्किटेक्ट, जैसे आपको पता है मैं आर्किटेक्ट हूँ, बहुत कम लोगों को मतलब नया नया नॉलेज लेने की और उसके बारे में जानने की और सीखने की चाहत बहुत बहुत ही कम लोगों को होता है। मोस्टली हम सबको, मुझे भी यही होता है कि यार मुझे तो काफ़ी आता है, मुझे इससे ज़्यादा और नहीं जानना। बट ही नेवर स्टॉप्स लर्निंग एंड ही नेवर स्टॉप्स आई मीन कुछ ज़्यादा हो रहा है। Okay. अब हम मिलते हैं थोड़े शॉर्ट ब्रेक के। So now that short break actually we'll be traveling to Delhi and हम शायद अभी इवनिंग का टाइम, we are planning to go towards Delhi। कितना एनर्जी बचेगा ये पता नहीं है, but we'll still वहाँ जाके फिर मिलते हैं। अगर हो सके तो मैं आप लोगों को वहाँ का थोड़ा सा घूमते हुए दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाजपत नगर और अभी हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं एंड राइट नाउ जैसे कि किसी ने सुबह को प्रॉमिस किया था कि फिर छोटा मोटा शॉपिंग करने के लिए लाजपत नगर आएंगे हम, और किसी ने ये प्रॉमिस निभाया भी है। वैसे 2 घंटे लाइटिंग के शोरूम में बैठ के कोई थक गया है तो बहुत ज़्यादा, हम थोड़ा सा या सो पूजा कर ले। या ही इज़ कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट बट नाउ ही इज़ डैम हंग्री। मुझे उतनी भूख नहीं लगी है। मुझे भी भूख लगी है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। मैडम कुछ बोलेगी नहीं, उनको भी भूख लगी है। नो आई एम नॉट गोइंग टू हैव मच नाउ, द थिंग इज़ कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदना है हम लोगों को। और बट येस, उससे पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी दैट वी आर यूजिंग दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मैं आप सबको ये बताऊंगी कि अगर आप लोगों के साथ सीनियर सिटीजन्स या अगर छोटे बच्चे नहीं हैं,
सो प्लीज़ एनकरेज अदर्स एंड यू ऑल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अभी दिल्ली जैसे शहरों में स्पेशली पॉल्यूशन का जो सिचुएशन है, तो वी कैन रत्ती भरी से ही, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा बट ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू नॉट लेट द पॉल्यूशन इंक्रीज, और ये हेल्थ के लिए भी तो अच्छा ही है इफ़ यू कीप ऑन वॉकिंग। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो फिर प्लीज़ डोंट यूज़ योर प्राइवेट व्हीकल्स, आई नो दैट इज़ मच ऑफ कम्फर्ट दो, बट एनी वे हो गई ज्ञान की बात है, सो वी आर गोइंग टू हैव लिटिल बिट ऑफ फीडबैक। या लाजपतनगर इज़ फेमस फॉर लाइक स्ट्रीट फूड्स, दैट्स वेरी नाइस, बट लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशन इज नेसेसरी रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। अभी थोड़ा सा हम उसको प्रिकॉशन लेंगे, बिल्कुल, लेकिन हम काफ़ी खाने के शौकीन हैं, चलिए देखते हैं क्या खाना मिलता है। ये और अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में, जिसको हम सेंट्रल मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ऑलमोस्ट एक साल हो गया है हमें यहाँ पर आए हुए और हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी, वरना हम डेफिनेटली इतनी क्राउड में तो नहीं आते। फिर सोचा कि खैर अगर आ ही गए हैं तो कुछ शॉप की चीज़ें और कुछ ज़रूरत का सामान, जो जो भी प्लान किया था उसकी खरीदारी करके ही फिर लौटे, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो इस मार्केट में ना मिले, और वैसे भी ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्री मार्केट है। और ये है लाजपत नगर के मशहूर कुलचे वाले, ऐसा कोई दिल्ली वाला नहीं होगा जिन्होंने यहाँ के छोले कुलचे ना खाए। प्लीज कैन यू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन दिस, इट्स वेरी ऑसम, आई हैव बीन ईटिंग, मैं बहुत मतलब कम से कम 20 साल से खा रहा हूँ यहाँ से, बहुत ही यम्मी बनाते हैं, कभी आप लाजपत नगर आएंगे तो आप जरूर। अगर आप 20 साल से ये छोले कुलचे खा रहे हैं तो फिर आपकी उम्र कितनी होगी? 20 साल। ओके सो लेट्स गो ऑन, प्लीज प्रोसीड। और अब फर्स्ट राउंड ऑफ पेट पूजा इज ओवर और हम लोग विंडो शॉपिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे हमारा प्लान था कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदने का, और उसके लिए हम आ गए हैं इस शॉप में। इनके पास ड्राई फ्रूट्स और होल स्पाइसेस का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इन्होंने ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट बॉक्सेस भी बना के रखा हुआ है फॉर दिवाली गिफ्ट के। हमने भी कुछ घर के लिए और कुछ दिवाली के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ओवरऑल क्वालिटी और प्राइस की अगर बात की जाए तो मैं इस शॉप को जरूर रिकमेंड करूंगी। ये है लाजपत नगर का सेकेंड मोस्ट फेमस राम लड्डू फूड कॉर्नर, जिनके गर्मा गर्म मूंग दाल के राम लड्डू दिल्ली के हर एक ब्लॉगर का फेवरेट है। और अब एंजॉय किया जा रहा है गर्मा गर्म राम लड्डू। हाउ इज इट? बियॉन्ड वर्ड्स। ओह इज इट? So my watch was down with the cell, so I had to get a new cell in my wrist watch. वहां से निकलने के बाद मैंने देखा कुछ शॉप्स में बिल्कुल बंजारा मार्केट की तरह क्रॉकरीज मिल रही है, वही प्राइस रेंज और रेगुलर यूज के लिए भी काफी अच्छा है। मैंने कॉफी मग्स का एक पेयर खरीदा और उसके बाद एक दूसरे शॉप में जाके कुछ कुशंस और पिलोज भी खरीदा। अब ऑलरेडी हम दोनों के हाथ बड़े बड़े बैग से भर चुके थे। खैर ज्यादा कुछ बाकी भी नहीं था, मुझे अब बस डोरमैट्स खरीदने थे कुछ इंडोर और आउटडोर्स के लिए, जो कि मुझे मेरे चॉइस के हिसाब से मिल भी गए। और ये वाला शॉप मैं ज़रूर याद रखूंगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। Yes, so much of shopping. So I'm here at the MACD in Lajpat Nagar and it's so damn crowded, so I have to put my mask on. I must. And it's very crowded. Aaj Lajpat Nagar bahut zyada crowded tha. Jo it was really beyond my imagination. Or right now I have done so much of shopping, you all guys can see that. अब बस हम लोग यहाँ पे डिनर करके फिर घर की तरफ रवाना होंगे। सो वी आर वेरी टायर्ड और ज़्यादा कुछ अब बात करने की भी हिम्मत नहीं है, बस कुछ खाना खा के विल कैच अ मेट्रो एंड विल एंड आवर वीडियो हियर। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस ट्रिप टुडे और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है आज, लिटरली मैंने दिवाली की शॉपिंग कर ली है।
तो अब हम बहुत जल्दी हमारा वीडियो ख़त्म करके घर वापस जाएंगे. ओके बाय बाय एंड सी यू अगेन लेटर. ऑलमोस्ट एक साल बाद मैंने बर्गर्स खाया और यम, आई वॉज इन द सेवन स्काई. एनीवेज फिर हमको वापस मेट्रो पकड़ना था टू गो टू गुड़गांव. बहुत थक गई पूरे दिन भर के बाद, ढेर सारा शॉपिंग, ढेर सारी ब्लॉगिंग, लेकिन सच में मज़ा आ गया. और अगर आप लोगों को भी मेरे साथ घूमने जाकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.